एक प्रोफेसर तो लड़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर और दूसरे प्रोफेसर के साथ क्या हाल हुआ है, ये तो तमाम लोगों को एक साथ एक लामबंद होकर के आना पड़ेगा। आपका बेटा ना प्रोफेसर बनेगा और इन्हीं के चुंगल में फंस के एक दिन लक्ष्मण यादव जरूर बन जाएगा। क्या मजाल है आरएसएस के लोगों की, क्या मजाल है बीजेपी के लोगों की कि वो किसी भी ओबीसी का या किसी शेड्यूल कास्ट का अगर नहीं बोलोगे तब भी मरे जाओगे। जो 16 पेज गायब हुए हैं संविधान के अंदर से, आप लोगों को सोचना चाहिए, अन्यथा इस देश के अंदर वो मनु समर्थि लागू हो जाएगी, ना किसी को पढ़ने का हक होगा, ना किसी को बोलने का हक होगा, ये तमाम लोग मारे जाएंगे। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि बड़े लंबे समय से तमाम ओबीसी के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और उसका धीरे धीरे रिजल्ट आया। पहले रितु को निकाला, प्रोफेसर रतनलाल पे हमला हुआ और आज यादव जी के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ है, ये इस देश के तमाम बहुजनों ने सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचेंगे तो ये एक दिन वो दूर नहीं है कि आपके बच्चों को जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में इस देश को बदला जा रहा है, इस देश के तमाम लोगों को घेर घेर के पीटने का काम किया जा रहा है, यही एक षड्यंत्र बीजेपी का आरएसएस का है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जब शिक्षा के बजट घटाए जाते हैं तब ये रोड पे नहीं आते हैं और आज प्रोफेसर के साथ में जब इस तरह की घटना होती है तब भी हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि कितना रोष है। कहीं कहीं पर तो अपने आप को रोना आता है कि प्रोफेसर के साथ में जब हमारे देश के जो आगे अग्रणी पंक्ति में जो बढ़ने वाले लोग हैं, जो इस देश के भविष्य को आगे बढ़ा करके, और वो ये कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आएं, लेकिन हालात बद से बदतर बन चुकी है। अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि आप किसी न किसी तरीके से इकट्ठा हो करके इस सरकार के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खड़े होंगे तो ये लक्ष्मण यादव एक नहीं है, अनेक ओबीसी के लोगों का पहले ही नंबर नहीं पड़ा था और आज आप इस परिस्थिति में, इन हालातों के अंदर जो बोलने तक का के ऊपर एक पाबंदी लगी हुई है इस देश के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर जब ये हालात हैं तो तमाम देश के अंदर क्या हालात होगा, ये तो तमाम वंचित शोषित पीड़ित लोगों को आगे आना के चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लक्ष्मण यादव ने 14 साल तक पढ़ाया है देखिए स्कूल में, अगर परमानेंट नियुक्ति होनी तो उनकी होनी चाहिए थी। देखिए, जो आरएसएस में गए हुए लोग होंगे, जो आरएसएस की शाखाओं में जो जाएंगे उनको परमानेंट करा जाएगा। आप 14 नहीं चाहे 28 हो जाएं आपको, जब आप बहुजन समाज की बात करेंगे तो आपको इसी तरीके से दूध में से जैसे मक्खी निकाला जाता है ऐसे निकालेंगे, और जो आरएसएस में गए हुए हैं उनको बिट्टू बजरंगी बनाएंगे, मोनू मानेसर बनाएंगे और तमाम, चाहे देश के किसी भी कोने में दंगा होता है तो उनको वहाँ पे यूज किया जाएगा। अब ये सोचना दलितों को भी है, ये सोचना पिछड़ों को भी है और सोचना ये उन माइनॉरिटी के लोगों को भी है जो जरा सा कहीं पे हंगामा हो जाता है तो छुपने का काम करते हैं। अब छुपने से काम नहीं चलेगा, अगर एक प्रोफेसर के साथ में, एक प्रोफेसर तो लड़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर और दूसरे प्रोफेसर के साथ क्या हाल हुआ है, ये तो तमाम लोगों को एक साथ एक लामबंद होकर के आना पड़ेगा। तमाम यूनिवर्सिटियों को घेरे, उसका जिंदा जागता उदाहरण है जब किसान आंदोलन हुआ तो इस दिल्ली की नाक बंद कर दी थी, आज वही तरीका है, वही तरीका अपनाना पड़ेगा। और जितने यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनको भी इस बात का सोच लेना चाहिए, अगर वो पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो माँ बाप अपने बच्चों को गांव देहात से दिल्ली के अंदर एडमिशन कराया है तो वो इस उम्मीद आशा में है कि मेरा बेटा भी इसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बनेगा, तो बगैर लड़े
बगैर आपने इनका मुकाबला करे आपका बेटा ना प्रोफेसर बनेगा और इन्हीं के चुंगल में फंस के एक दिन लक्ष्मण यादव जरूर बन जाएगा। जातिवाद के शिकार हुए हैं क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव? बिल्कुल, इसमें कोई दोरा नहीं है। जो बोलेगा इस सरकारों के खिलाफ उनके खिलाफ ऐसे एक्शन ये सरकार ले रही है, और जो ताकत के साथ जन समूह के साथ आगे आएगा यही सरकारें उसको सलाम ठोकती हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण मैंने पहले बताया कि वही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे से भूल हुई, मैं पछताप कर रहा हूँ, या तो मैं समझा नहीं पाया या कोई और बात। तो इसी तरीके से तमाम आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, चाहे ऋतु का धरना हो और चाहे प्रोफेसर का, लक्ष्मण यादव जी का, आप लोगों को एक प्लेटफार्म हम तो आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, एक बारी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कॉल करें और देखें जिस तरीके से बीजेपी के आरएसएस के लोग और पार्टी इनकी जो हथकंडे अपनाती आई है देश के अंदर, तीनों चारों चीज का अभी कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर चर्चा हुई कि किस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करी, किस तरीके से उन्होंने जीएसटी लेके आए, किस तरीके से कोरोना का ड्रामा किया और तमाम देश के हर नागरिक को बंद करने का काम जो किया है, इसी तरीके से लक्ष्मण यादव तमाम इस देश के लोगों को कहेगा ये रोड के ऊपर और हम परमानेंट पड़ाव डालकर बैठेंगे। क्या मजाल है आरएसएस के लोगों की, क्या मजाल है बीजेपी के लोगों की कि वो किसी भी ओबीसी का या किसी शेड्यूल कास्ट का या किसी वंचित शोषित पीड़ित बच्चे के ऊपर इस तरह के हथियार से वार करने का काम करें। डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सिस्टम पे बड़ी चोट कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वो बोलेगा, अगर नहीं बोलोगे तब भी मरे जाओगे। ये मत सोचना कि हम उनकी दलाली चाटुकारी करते हुए अगर हम वहाँ बैठे रहे हमारा भला हो जाएगा, बिल्कुल भी भला होने वाला नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा और जो नहीं बोले हैं वो चुपचाप अपने घर में जाके कहीं ना कहीं कमरे में बैठकर रोने का काम करेंगे। लेकिन रोड पे जो आदमी आया है, रोड पे जो समाज की बात करी है, महापुरुषों की बात करी है, उस आदमी के साथ में जनता को एक साथ लगना चाहिए और जब भी जा करके हम प्रोफेसर की नौकरी को बचा सकते हैं और आने वाले युवा बच्चों का भविष्य को भी हम उसमें देख सकते हैं। तो दलित पिछड़े प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे? हालात तो यही कह रही है, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, तमाम ओबीसी के लोग कहाँ चले गए ये सोचने का विषय है। अगर छोटे छोटे लालच में आप बिकोगे तो मैं पहले कह रहा हूँ अपने बच्चों के, खास करके ओबीसी समाज के उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की हत्यारे बनोगे आप, अपने बच्चों को हत्यारा बनाने का काम करोगे और 10+2 से ऊपर तमाम इसके 80% में लोगों को कहना चाहता हूँ ओबीसी के, आपके बच्चों को आपके गाँव में, शहर में, कॉलोनी में आप सर्वे करके देख लेना, 10वीं से 12वीं क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनके बच्चों को नहीं चाहते कि ये लिखें, नहीं चाहते कि ये बोलें, नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ के इस देश की कमान संभालें। लेकिन तमाम ऐसे प्रोफेसरों की बदौलत हम जैसे लोग बड़ी दूर दूर से आकर के इन देश के तमाम नागरिकों को, तमाम वंचितों को, तमाम मजदूरों को, तमाम किसानों को कहना चाह रहे हैं कि आप एक बार इकट्ठा हो करके लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई के अंदर शामिल हों, तभी जा करके शिक्षा पे जो हमला हुआ है ये हमला प्रॉपर एक प्रोफेसर के ऊपर नहीं है, ये शिक्षा के ऊपर हमला है। और ये हमला हम पहले भी कह चुके, जिस तरीके के शिक्षा के बजट जब घटाए जाते हैं तो लोग रोडों पे नहीं आते हैं। आज वो समय है कि तमाम इस देश के नागरिकों को रोड के ऊपर आना चाहिए, और जिस तरीके से लोग बीजेपी और आरएसएस में बैठे हैं और एक बड़े अलाप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, पूछना चाह रहा हूँ इस संविधान के 16-16 पेज गायब हो जाते हैं और तुम ताड़ी पीसते हो, तो ये देख लियो जिस संविधान की अब बात हम करते हैं, हम तो फिर भी लड़ते हुए आपसे कह रहे हैं कि इस संविधान के साथ छेड़छाड़ ये कर रहे हैं। और तमाम लोगों को जो 16 पेज गायब हुए हैं संविधान के अंदर से, आप लोगों को सोचना चाहिए, अन्यथा इस देश के अंदर वो मनु समर्थी,
लागू हो जाएगी, ना किसी को पढ़ने का हक होगा, ना किसी को बोलने का हक होगा, ये तमाम लोग मारे जाएंगे।